आपने सड़क पर एक्सीडेंट के बाद तेल, किराना की सामग्री सहित कई अन्य सामान की लूट की घटनाएं तो खूब सुनी और देखी होंगी, लेकिन ताजा मामला सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिकारगंज गांव में देखने को मिला, जहां रेत लूटने का वीडियो सामने आया है और वीडियो में रेत लूटते पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि घटना रविवार की है। सोन घड़ियाल अभयारण्य वन चौकी से महज 20 मीटर दूर शिकारगंज के पास की है, जहां अवैध रेत ले जा रहे हाइवा ने सड़क के किनारे रेत खाली कर मौके से निकल गया। पता जैसे ही गांव वालों को लगा, गांव वालों ने बाल्टी, तगाड़ी, बोरिया, ऑटो, मोटर साइकिल लेकर रेत लूटने पहुंच गए और कुछ के पास साधन नहीं था तो सिर में बोरी रखकर रेत लूटते नजर आए। अवैध रेत से भरा हाईवा रीवा की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में ड्राइवर को पुलिस आने की सूचना प्राप्त हुई। हाईवा ड्राइवर काफी भयभीत हो गया और रेत से भरे हाईवा को सड़क के किनारे खाली कर हाईवा लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि जिस एरिया में हाईवा चालक ने रेत से भरा हाईवा खाली किया, उसी से महज 20 मीटर दूर में वन चौकी है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इस घटना से अनजान बनते नजर आए। कड़ी कड़ी साइड से निकल रही, साइड से वीडियो बनाई मीडियम भाई। एक गली छोड़ दे यार, बोरी सोड़ी ने रखा हूँ कहे। गिर गया।